हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, एक देर इज एन बैड न्यूज़। आप लोग सोचते रहोगे इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। बरोबर, वीडियो नहीं आने का भी एक रीज़न है, क्योंकि अराउंड 1.5 मंथ अगो एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ में, जो कि काफ़ी क्रूशियल हो गया था। मतलब लाइफ को ऐसा ऐसा करने वाला इंसिडेंस हो गया था। तो मुझे लगा काफ़ी, हाँ हुआ क्या था, हुआ था हूँ मैच खेलने गया था मैं। मेरे घर से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है विरार करके एक प्लेस है, विरार महाराष्ट्र में। तो मैच खेल रहा था, तो आफ्टरनून में क्या, फील्डिंग के टाइम में बॉल पकड़ने गया, तो काफ़ी स्पीड में गया था बॉल पकड़ने। तो अचानक बॉल पकड़ने के लिए रुका मैं, तो लिगामेंट टूट गया। लिगामेंट क्या रहता है, लिगामेंट अंदर का मसल्स का रहता है, मसल रहता है ना अंदर नी के मसल्स के लिए रहता है, जो मसल रहता है ना उसमें चोट लगती है। एक टाइम अगर आपकी हड्डी टूटती है तो पता रहता है हमारी हड्डी टूटी है, तो 1.5-2 महीने में ठीक हो जाएगा। मसल्स ब्रेक होता है ना जब, तो मसल्स बनने को टाइम लगता है, 6-7 महीना नॉर्मली लगता है। तो मेरा क्या हुआ, मुझे लगा कि छोटा मोटा चोट रहेगा, लिगाम अपने हमको मतलब नॉलेज नहीं है ना लिगामेंट के बारे में कि हाँ मतलब इतना बड़ा चोट हो सकता है। तो मैंने यार ध्यान नहीं दिया। मैं हमारे इधर एक रहते हार्डवेथ करके, मतलब हाकिम, मतलब पुराने टाइम के, मतलब वो मसाज सज करके, तो मुझे लगा ठीक कर देंगे वो लोग। तो मैं गया उनके पास, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि उनके पास ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलते भी हैं कि वो लोग ठीक कर देते हैं क्या। तो मुझे लगा ठीक कर देंगे, तो अब मसल्स की चोट है, मैं वहाँ जाके मालिश करा रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा गलती मैंने किया है, सबसे बड़ा गलती किया मैंने। मेरी दीदी फिजियोथेरेपिस्ट है, मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, और वो मैंने अराउंड 1 महीने तक कराया। उसकी वजह से मेरा पूरा लिगामेंट डैमेज हो गया, जो चोट इतनी सी थी मैंने उसको इतना बड़ा कर दिया। और उसके बीच में क्या हुआ था, अराउंड 18-19 डेज ना मुझे एक बार और चोट लग गई, मस्ती हिंदी बोलेंगे, गान मस्ती बोलेंगे, थोड़ा 16 महीने कीड़ा रहता है अंदर, तो फिर से चोट लगी मुझे, और मैं उसके ऊपर मालिश करा रहा हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। अगर मैं क्रिकेट खेलना है मुझे आगे, जो कि मुझे ऑब्वियसली खेलना है, तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये इंसिडेंट जब मुझे मालूम पड़ा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम, डर सा लगा कि मतलब यार ऑपरेशन करने के बाद खेल पाऊँगा कि नहीं खेल पाऊँगा। फैमिली में बताया मैंने ऐसा ऐसा है, तो पापा थोड़ा गुस्सा हुए कि मतलब पहले करा लेना चाहिए था ये चीज़, अभी करा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत टाइम मतलब डैमेज मतलब पूरा ख़राब हो गया है। ऑपरेशन करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। तो आपको अगले वीडियो तो बताऊँगा मैं, मतलब मुझे कहाँ लगा है, अभी क्या है मेरा ऑपरेशन का, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं, अभी होगा, मेडिसिन चल रही है, काफ़ी क्रूशियल हो गया है। मतलब अभी 6-7 महीना अराउंड समझ लो, ये साल मैं कुछ नहीं कर सकता, 9 महीने तो मेरे किधर भी जाएंगे नहीं, जो कि काफ़ी वो है, प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि 9th मंथ कुछ नहीं करना, क्रिकेट नहीं खेलना, काफ़ी हार्ड रहेगा वो। ठीक है, बाकी खेलना है तो, बट कैसा रहता है कि 9 मंथ हार्ड तो रहेगा, क्योंकि अराउंड अराउंड पूरा मेरा साल वेस्ट हो जाएगा। और जब हम लोग पैशन फॉलो करते हैं, उसमें एक साल ख़राब होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है मालूम है, क्योंकि आपको पता है कितना पॉलिटिक्स वगैरह होता है आजकल क्रिकेट में। होप सो जो भी हो अच्छा हो। आप लोग बोलते रहेंगे कि आकाश भाई डाल नहीं रहे वीडियो, डाल नहीं रहे वीडियो, क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ है क्या, ऐसा ऐसा जिंदगी लाइफ में प्रॉब्लम के अलावा होता ही क्या है मेरे। हर 2 महीने में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर 2-3 महीना ऐसा रहता है। ये इंजरीज के पहले मेरा 3-4 महीने पहले मेरा बैक में इंजरीज हुई थी, वो भी काफ़ी क्रूशियल थी वो भी। वो तो अच्छा हुआ मैंने दीदी को बता दिया था, तो दीदी आई डायरेक्ट मैंगलोर से, उसमें भी 2 महीना गया था मेरा रेस्ट वगैरह करके, एक्सरसाइज वगैरह करके। उसके 2-3 महीना पहले मेरा बैक एक्सीडेंट हुआ था, बाकी बहुत लोगों को नहीं पता ये चीज़, बैक इंजरीज के बारे में बहुत लोगों को भी नहीं पता है।
बताता नहीं मैम, अपनी प्रॉब्लम से हमें खुद सॉल्व करनी चाहिए यार, लोगों को क्या पता कि मिलेगा, बिकॉज नो वन केयर्स लाइफ में, नो वन केयर आप कितना करीब भी रहे, कितना करीब दोस्त रहे, कुछ भी रहे, नो वन केयर्स यार। मैंने चीज़ देख ली, मैंने अराउंड 2 महीने में मैंने देख ली कौन आपको कितने क्लोज है ना, नो वन केयर्स यार, लोगों को टाइम नहीं है फ़ोन कर ले। एक दो इंसिडेंट्स और हुई थी जो पर्सनल है थोड़ी मेरे, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता वो, पर काफ़ी ये 2-3 महीना मेरे लिए बहुत टफ था मालूम है, मतलब जिससे चोट लगी है ना, वेरी हार्ड यार। मतलब अभी तो और 6-7 महीने निकालने, 8 महीने निकालने, घर पे मैं कैसे करूँगा समझ नहीं आ रहा हूँ। एक दो पर्सनल चीज़ें हुई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए किसी से, जो मैंने किया वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे उस चीज़ से, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बता सकता नहीं है बिकॉज। और एक बार बात, फैमिली के अलावा आपका कोई नहीं रहता है क्या, नो वन सपोर्ट्स यू, नो वन सपोर्ट्स यू, फैमिली के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको, सिर्फ बोलने की बातें रहती है कि हमारे साथ में भाई, हमारे साथ में, बट नो वन विद यू, नो बॉडी फकिंग केयर अबाउट यू, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता बहनचोद। यही था बाकी, और अगले वीडियो में मतलब मैं परसों डाल दूंगा दूसरा वीडियो, उसमें बताऊंगा कि मेरे को कहाँ चोट लगी है, मैंने MRI रिपोर्ट्स वगैरह निकाले हैं, एक्सरे निकाले हैं, आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा वो वीडियो। ये वीडियो तो मैं बस बताने के लिए ये वीडियो जिसमें आपको बताने के लिए डाला हूँ कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है लाइफ में, तो वही, बाकी कुछ नहीं। सो फार सो गुड, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल बिकॉज नो वन इज फकिंग केयर अबाउट यू, जो बहन जब तुमको खुद ही करना है, बाकी कुछ नहीं। लाइफ को एंजॉय करो, हंसते रहो और स्माइली भाई की वीडियो देखो, स्माइली भाई कौन, तुम्हारा भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरा प्रॉपर। गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दो ना, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, दोगे ना? ओके, मिलते हैं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय बाय।